नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन को बढ़ावा देकर इसकी सुचारू व्यवस्था की जाए। उन्होंने दवा वितरण के लिए दवा एटीएम जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने जुलाई तक प्रदेश में रोजाना कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज लगाए जाने के लक्ष्य के साथ कार्य करने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि अपने सरकारी आवास पर टीम नौ के साथ वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगरानी समितियों की ओर से प्रत्येक लक्षण युक्त और संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों में वायरल बुखार आदि के इलाज के लिए मेडिसिन किट तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। मेडिसिन टिकट निगरानी समितियों को वितरण के लिए जल्दी उपलब्ध कराया जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण अब महाअभियान तेज हो गया है। 1 जून से 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु के सभी लोगों को जिलों में टीका लगाने की सुविधा शुरू किए जाने के बाद टीकाकरण में काफ़ी तेजी आ गई है। अभी तक प्रदेश में कुल 1.94 करोड़ लोगों ने टीका लगवाए। युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक कुल 27 लाख युवा टीका लगवा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के जोर पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने जून के मुकाबले जुलाई में 3 गुना अधिक यानी 3 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। हर दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। फिरोजाबाद में सरकार के निर्देश के बाद कल से अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही मरीज अपने इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं इस दौरान सीएमएस डॉक्टर आलोक शर्मा मरीज और तीमानदारों को कोविड-19 के प्रति समझाते नजर आए। लखनऊ के कल्याणपुर में रहने वाले एक परिवार ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। दरअसल कल्याणपुर के रहने वाले 2 मासूम बच्चों और उसकी मां को पिता जुनैद अहमद ने दूसरी शादी करने के बाद घर से निकाल दिया, जिसके बाद पहली पत्नी अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर किराए के मकान में रह रही है। बच्चों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उसके पिता ने दूसरी शादी करने के बाद उनको और उनकी माँ को घर से बेदखल कर दिया, जिससे उनकी जिंदगी मोहताजी पर गुजारी जा रही है। साथ ही मासूमों ने यह भी कहा कि पुलिस से लेकर बड़े अधिकारियों तक इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल सका है। मेरा नाम फिजा खान है और मैं लखनऊ कल्याणपुर की रहने वाली हूँ। ये मेरी बहन है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये मेरे डैडी की फोटो है। इनका नाम जुनैद अहमद है। इन्होंने हम लोग के घर से हम तीनों को निकाल दिया है घर से, और इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। हमने कई जगह शिकायत की पुलिस स्टेशन से लेकर उच्च अधिकारियों तक की, पर हमें न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, हमें प्लीज न्याय। खबर मैनपुरी से है, जहां एक तेज रफ्तार कार का टायर फटने से गाड़ी एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। दरअसल कार का पिछला टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ये पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र का है। समय लगभग 12 बजे एक अर्टिगा सवार 9 लोग, जैसे कि सूचना मिली, हरदोई से मैनपुरी में कुटरा थाना क्षेत्र में जा रहे थे। अचानक गाड़ी का टायर फटने की वजह से संतुलन खराब हो गया और ये गाड़ी जाके खड्डे में गिर गई, जिसमें मौके पर ही 2 बच्चे और 1 पुरुष ने दम तोड़।
जौनपुर जेल में एक कैदी की मौत के बाद दूसरे कैदियों ने बवाल कर दिया। उन्होंने पथराव और तोड़फोड़ के बाद जेल के अस्पतालों में आग लगा दी। पुलिस ने गैस के 3 सिलेंडर अपने कब्जे में ले लिए हैं। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। ड्रोन कैमरे से जेल के भीतर नजर रखी जा रही है। बेकाबू कैदियों के सामने जेल प्रशासन बेबस नजर आया। अधिकारियों ने कैदियों से कहा वो डीएम और एसपी के सामने अपनी बात रख सकते हैं। अधिकारी माइक पर ये अनाउंस कर रहे हैं जेल में करीब 1000 कैदी बंद है। मामला बढ़ता देख वाराणसी जोन के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कमिश्नर दीपक अग्रवाल और आईजी एसके भगत मौके पर पहुंचे। जौनपुर प्रशासन बंदियों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। बिखरू कांड में विकास दुबे समेत कई अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। बिखरू कांड में मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए कई संगठन आगे आ गए हैं। कई संगठन के साथ साथ ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश सरकार से खुशी दुबे को रिहा करने की मांग की है। इसी कड़ी में ताज नगरी आगरा में हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदूवादी नेता गोविंद पाराशर ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गोविंद पाराशर ने एक वीडियो वायरल करते हुए प्रदेश सरकार से 3 दिन में खुशी दुबे की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। देखिए ये वीडियो। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं जानना चाहता हूं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से, कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक जी से, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से, जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के सबसे बड़े चेहरे हैं, खुशी दुबे मानता हूं उसके परिवार के सारे लोग गुनेगार थे। उन्होंने जबरदस्त गुनाह किया था इसलिए उन्हें बख्शा नहीं जा सकता, इसलिए उनको सजा मिली। खुशी दुबे 4 दिन पहले शादी हुई। अगर इतनी बड़ी मुजरिम थी तो उस पर पहले कितने मुकदमे थे, वो कई बार जेल जा चुकी। इस सारी जानकारी हम अपने बड़े चेहरा ब्राह्मण समाज के दिनेश शर्मा जी, ब्रजेश पाठक जी, श्रीकांत शर्मा जी से लेना चाहते हैं। अगर हकीकत में ही गुनहगार है तो खुशी दुबे को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। अगर वो गुनहगार नहीं है तो उसको जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। और हम प्रशासन से मांग करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि इसकी सीआईडी जांच हो, सीबीसी जांच हो, जांच में जो भी दोषी हो उनको बख्शा नहीं जाए। अगर 3 दिन के अंदर सीबीआई जांच नहीं रखी गई तो मैं गोविंद पाराशर 3 दिन बाद कानपुर के मुख्यालय पर आत्महत्या कर लूंगा। अगर ये दोषी है खुशी दुबे तो तीनों उत्तर प्रदेश के चेहरे बड़े ब्राह्मणों के वो आगे आके बताएं कि खुशी दुबे एक अपराधी है, तभी हम ब्राह्मणों को शांत कर पाएंगे। इसलिए मैं तीनों से निवेदन करना चाहता हूं एक प्रेस वार्ता करके ये बात साबित करें कि खुशी दुबे एक मुजरिम है तो उसको उसकी सजा मिल रही है, अगर वो मुजरिम नहीं है तो उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उसका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज किया जाए जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अगर भाइयों आप खुशी दुबे को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो अपनी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी भाइयों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये एक नारी का सम्मान है। मैं विकास दुबे का समर्थन नहीं कर रहा, मैं किसी का भी समर्थन नहीं करना,
मैं एक नारी का समर्थन कर रहा हूं जो बिना जुर्म की सजा भुगत रही है। भाइयों ये नहीं है कि आज इसके साथ है कल किसी और के भी साथ हो सकता है। इसलिए सभी भाई जो भी खुशी दुबे को समर्थन करना चाहता है वो आगे आए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी के लखनऊ के पूर्व विधायक व कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य श्याम किशोर शुक्ला और अयोध्या पहुंचे। यहां बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। कानपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा एक आरोपी को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया ये कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में वैक्सीन सबको फ्री लगनी चाहिए। आप सभी का स्वागत। आज एक बहुत ही गंभीर और अहम विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ। हम कोई विरोध के लिए विरोध नहीं करते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज हमें समझने की आवश्यकता है हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमारा देश जा रहा है। आज किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जितने भी इन्होंने वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, एक भी वादा इन्होंने। सेना में भर्ती होने के बाद पहली बार छुट्टी पर गाजीपुर अपने घर आने के एक दिन पहले ही सेना के जवान अभिषेक यादव की असम में सड़क हादसे में मृत्यु की खबर आ गई। शुक्रवार को जवान का पार्थिव शरीर ट्रेन से वाराणसी पहुंचा। यहां से प्राइवेट एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर रखकर गाजीपुर स्थित गाँव के लिए रवाना हुआ। प्राइवेट एम्बुलेंस वाली बात परिजनों और ग्रामीणों को पता चली तो वो आक्रोशित हो उठे। मृत जवान को शहीद का दर्जा देने और आर्मी के वहां से पार्थिव शरीर घर पहुंचाने की मांग को लेकर पहले तो वाराणसी गाजीपुर मार्ग को जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस सहित कई वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीतापुर में लहरपुर बिस्वा मार्ग के पास यात्रियों से भरी बस पलट गई। बस के पलटने से 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा विधायक के बड़े भाई व प्रतिनिधि उमा शंकर वर्मा मौके पर पहुंचे। वहीं घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। अयोध्या में संपत्ति के लालच में एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं हादसे का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि प्रॉपर्टी के चलते हत्या की गई और मामले में पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके लिए चूंकि संपत्ति मृतक के मृत्यु के बाद ही इनके नाम पे आती, इस तरह इन्होंने इस घटना को प्लान किया। 28 तारीख की रात में ये मोटरसाइकिल से आए, मेन रोड पे इन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की, उसके बाद एक गुप्त रास्ते से वहाँ पहुँचे। इनको ये भय था कि अगर गांव के रास्ते से मेन रास्ते से जाएंगे तो कोई ना कोई पहचान लेगा, और वहाँ पे जाके इन्होंने, चूँकि बेटी और दामाद ही थे, इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया और उसके बाद ईंट तथा अन्य ब्लंट ऑब्जेक्ट इससे उनकी हत्या कर दी। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौवंशों के बारे में लाख दावे कर ले, लेकिन उसके अधिकारी अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते सैकड़ों गायों की अप्रत्यक्ष रूप से हत्या कर रहे हैं। गौशाला में जो हालत गायों की है उससे तो बेहतर वो सड़कों पर ही नजर आते। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भले ही गाय प्रेम में जी भरकर बजट लुटा रहे हों, लेकिन सरकार के नौकरशाह गाय को चारा और पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। प्रदेश के रायबरेली में सरकारी गौशालाओं में गाय लापरवाही के चलते भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं और उन मरे जानवरों को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। बेजुबान गायों को गौशाला में नोच नोच कर पशु पक्षी अपनी भूख मिटा रहे हैं। मामला जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर महाराजगंज रोड पर स्थित गड़ी खास गौशाला का है, जहां गायों को चील कौवे और कुत्ते खा रहे हैं।
बड़ी बात यह है कि गौशालाओं की इस बदतर हालत पर सरकारी कारिंदे मौन हैं। ग्रामीण यहां की गौशालाओं के बारे में एक एक कर सच बता रहे हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी गौशालाओं का यही हाल है, लेकिन प्रशासन ने मृत गायों को गौशाला में दबा दिया है। और जब प्राइम टीवी ने जिम्मेदारों से इस पर जवाब मांगा तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। रायबरेली के गांव गड़ी खास की गौशाला में जो नजारा कैद हुआ, सच मानिए वो आपको झकझोर कर रख देगा। उसे देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। प्राइम टीवी के लिए रायबरेली से ओम शंकर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, गोवंश को बचाने के लिए अरबों रुपए का अनुदान दिया जाता है। इस समय हम जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़ी है खास में एक गौशाला में मौजूद हैं। यहाँ की स्थिति कुछ और बयां कर रही है। हम कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं यहाँ पे कि गायों की स्थिति इस कदर बद से बदतर है कि यहाँ पर ना कोई डॉक्टर है ना कोई व्यवस्था है। हालात इतने भयावह हैं कि इनका पूछने वाला कोई भी नहीं है। कैमरामैन से कहेंगे कि वो आगे भी दिखाएं। यहाँ झुंड में गायें खड़ी हुई हैं, हालांकि इन्होंने जानवरों के खाने की व्यवस्था तो की है, लेकिन इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर समय से आते नहीं हैं और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने सीधे जिलाधिकारी के ऊपर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है और गोवंश इसी तरह तड़प तड़प के दम तोड़ रहे हैं। देखना है इन जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति शासन क्या कार्रवाई करता है, या इसी तरह गोवंश बचाने के नाम पर बंदरवाट होती रहेगी। कैमरामैन रविंद्र के साथ ओम शंकर। कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को काल के अंधेरे में ढकेल दिया था। हर रोज हजारों मौतें, हर दिन बढ़ते मामले सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा कर रख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हर रोज हाईकोर्ट और मीडिया द्वारा सरकार की फजीहत हो रही थी, लेकिन इससे इतर कोरोना जैसी बीमारी से खुद ग्रसित हुए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आते हैं और लगातार एक के बाद एक कड़े कदम उठाकर यूपी को फिर से अंधेरे से वापस लाकर सूरज की रोशनी में खड़ा कर देते हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के खास अवसर पर प्राइम टीवी की पूरी टीम उन्हें बधाई देते हुए हम आपको दिखाते हैं सीएम योगी पर बना ये खास पैकेज। लेकिन उससे पहले मुझे दीजिएगा इजाजत, आप कहीं मत जाएगा, आप नजर डालिए सीएम योगी के ग्राउंड पर उतरने के बाद किस तरह से कोरोना काल में उन्होंने लोगों को एक सूरज की रोशनी दी है। साल 2017, पार्टी बीजेपी, जो करीब 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद सत्ता में वापस आई थी, वो भी ऐसे प्रदेश में जहां का राजनीतिक गुड़ाभाग करना हर किसी के बस की बात नहीं। बीजेपी के सामने थी सत्ता में बैठी सपा के रूप में एक बड़ी चुनौती, लेकिन हर चुनौती का सामना करके और हर मुश्किलों को पार कर आखिरकार बीजेपी की सत्ता में धमाकेदार वापसी होती है। फिर चलता है सीएम के दावेदार को लेकर मंथन। पार्टी के सामने मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नाम फेहरिस्त में होते हैं, लेकिन खैर जिस बड़े फैसले लेने के लिए बीजेपी जानी जाती है उसने ठीक कुछ ऐसा ही किया। उसने मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी योगी आदित्यनाथ को, जो गोरखपुर के मठ में महंत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें सौंपा गया यूपी का विशाल साम्राज्य। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा। हे
कई सालों बाद सत्ता में बीजेपी और योगी के सामने वैसे भी कई बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती योगी के सामने तब आ गई जब चीन के वुहान से चले कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी। इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा था, लेकिन योगी तो खैर योगी है, वो कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने युद्ध स्तर की तैयारियां करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए। पिछली लहर या यूं कहें कोरोना का भारत में आगमन, तब भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हर जरूरी कदम उठाए थे और प्रवासी मजदूरों को भी हर संभव मदद प्रदान की थी। कोरोना ने जब थोड़ा राहत दी तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं रुके, उन्होंने आगे की तैयारियों के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए। फिर आती है दूसरी लहर जिसने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया, जिसने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। यूपी में हालात इतने बिगड़ गए थे कि हर रोज हजारों मौतें हो रही थी और लाखों में रोजाना के मरीज आ रहे थे। लाचारी और बेबसी का वो आलम था कि अपने ही अपनों से नहीं मिल पा रहे थे। हर तरफ भय और डर का माहौल था, तबाही का मंजर सामने था। अस्पतालों के बाहर लोग तड़प रहे थे, सवाल कर रहे थे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था से कि आखिर हमारी गलती क्या है। ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, ना एम्बुलेंस और मरने के बाद शमशान में भी जगह नहीं। मंजर यह था कि उत्तर प्रदेश में हो रही मौतों की चर्चा और भारत में बढ़ते कोरोना के प्रकोप का मामला अब अंतरराष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बन चुका था। हर रोज उत्तर प्रदेश सरकार को एक नया चैलेंज देखने को मिलता था और हर रोज योगी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। कभी हाईकोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट, योगी सरकार हर दिन सवालों के कटघरे में खड़ी होती थी। फिर भी योगी आदित्यनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। तमाम आलोचनाओं को परे रख उन्होंने हर वो कदम उठाया जो यूपी की खुशहाली के लिए जरूरी था। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के कई बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना डरावना रूप दिखाया। कोरोना की दूसरी लहर केवल यूपी तक ही सीमित नहीं थी, इसके आग की आंच समूचे भारत में दिखाई दे रही थी। शमशान घाटों पर जगह न मिल पाने और लाशों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार के लिए योगी सरकार की बहुत फजीहत हुई, लेकिन सरकार का केवल एक लक्ष्य था कि किसी भी तरह मौत के आंकड़ों और रोजाना मरीजों की संख्या में किसी तरह लगाम लगाया जाए। कोरोना ग्रसित भी हुए सीएम। यूं तो कोरोना जैसी भयानक बीमारी जिसे हो जाए वो काफी डर जाता है और उससे अगर बच भी गया तो वो घर में सिर्फ आराम करता है, लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जब ये बीमारी हुई और जब वो इससे बाहर निकले तो वो फौरन लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से तैयार किए जा रहे COVID-19 सेंटर की प्रगति का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। कई जिलों में कोविड सेंटर के निर्माण के दिए आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए DRDO लखनऊ में 450 बेड्स की क्षमता वाले कोविड सेंटर का निर्माण करवाया। इसके अलावा वाराणसी में 750 बेड्स के एक सेंटर का निर्माण किया गया। लखनऊ के अवध ग्राम में इस सेंटर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी तरह यूपी के कई जिलों में कोविड सेंटर का सरकार द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है। अस्पतालों में 33,000 बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस अपने पैर तेजी से पसार रहा था। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी, योगी आदित्यनाथ ने इन कमियों को पूरा करने के लिए तत्काल प्रभाव से मीटिंग्स का दौर स्टार्ट किया। हर रोज अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाने लगे। इसी क्रम में प्रदेश में करीब 33,000 बेड बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। गांव पर विशेष निगरानी के दिए आदेश। पंचायत चुनाव,
या यूं कहें एक बहुत बड़ी आफत जिसको लेकर योगी सरकार की बहुत फजीहत हुई। वहीं इस मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट पर भी सवाल खड़े हुए थे। गांवों में संक्रमण का फैलने का मुख्य कारण पंचायत चुनाव रहा। सीएम योगी ने गांवों में विशेष स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग अभियान को और तेजी से चलाने का आदेश दिया। इसके लिए प्रत्येक दशा में सभी जनपदों में पर्याप्त संख्या में आरआरटी का गठन किया गया। लगातार दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे आ चुके हैं। वो फ्रंट में खड़े होकर कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी अब तक यूपी के 10 से ज्यादा जिलों में जाकर कोविड सेंटर के निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने नोएडा, आगरा, झांसी समेत कई जिलों में जाकर कोरोना की स्थिति पर बारीकी से जायजा लिया है। युवाओं को वैक्सीन लगाने में यूपी अव्वल। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा युवाओं को टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तीसरी लहर की आशंका के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभियान को विस्तार करने और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को जल्द से जल्द टीकाकरण करने की योजना बना रहे हैं। कोविड टीकाकरण में आगे की भूमिका निभाते हुए राज्य ने अब तक टीके की 1,62,16,379 खुराकें दी हैं। इनमें से 1,28,74,451 ने अपनी पहली खुराक प्राप्त कर ली है और लगभग 33,41,928 को वैक्सीन की दूसरी खुराक मिल गई है।